जसपुर कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पतनगर कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक भी पहुंचे। साथ ही पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल, प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी भी मौजूद रहे। गोष्ठी में क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसान गोष्ठी में ग्रीष्मकालीन फसल और मक्के की खेती की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिक AS नैनन ने बताया कि समर राइस को मक्का के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि मक्का में पानी की आवश्यकता काफी कम होती है। अगर मक्के की खेती जाएगी तो किसानों को फायदा भी होगा, साथ ही पानी की बचत भी होगी। आज के दौर में मक्का कम समय में ज्यादा उत्पादन देती है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समर राइस को मेज के साथ रिप्लेस करें, क्योंकि मेज में पानी की आवश्यकता करीब करीब 1/3, 1/4 के आसपास होती है जो हम राइस में लगाते हैं। तो अगर हम मक्का उगाएंगे तो हमारे किसानों को फायदा भी होगा और हमारा जो पारिस्थितिकी है, या हम उसको कहते हैं कि हमारा जो वाटर टेबल है, वाटर है, वो भी बचा रहेगा। और आज की तारीख में इस तरह की वैरायटी आ गई हैं जो कम ड्यूरेशन, मक्का की मैं बात कर रहा हूँ, जो कम ड्यूरेशन में अधिक उत्पादन देती हैं और वो जो राइस के बराबर या उससे भी ज़्यादा किसान को फायदा देती है। तो अब पूरे क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की बुआई हो रही है, व्यापक रूप से हो रही है। उससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और अंडर वाटर जो पानी है वो लगातार उसका स्तर घटता जा रहा है। ऐसे यहाँ क्षेत्र में कीट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए सबसे अच्छी जो फसल वैज्ञानिकों ने बताई है आर्थिक दृष्टि से भी और उगाने की दृष्टि से, वो मक्का देखा गया। तो मक्का जो है उसको प्रमोट करने के लिए आज ये गोष्ठी है जिसमें पन्नगर के हमारे वैज्ञानिक आए, कृषक भाई आए हैं।